हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की एक और भर्ती पेपर का लीक होने का खबर यहाँ पर निकल कर की, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। इसमें 9 लोगों को लेकर जो है बात करेंगे, जिसमें यहाँ पर जो है इनकी गिरफ्तारी के लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक और परीक्षा लीक हो चुकी है आयोग की ओर से। इसकी पुष्टि लगभग लगभग तय हो चुकी है और इसमें यहाँ पर जो है क्या कहा गया है SIT के द्वारा, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और बेरोजगार के साथ जिस तरह की यहाँ पर जो है अन्याय हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर हर एक पेपर जो है लीक, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग, तो इस तरह की अपडेट देखने को मिल रही है। तो आए दिन, तो आज की भी आपको जो है अपडेट देखने को मिलेगी, जबकि 9 लोग यहाँ पर जो है इन पर धाराएं लग चुकी हैं, सारा कुछ बताने वाले। चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट के बारे में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट, तो ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं। UKPSC में जो यहाँ पर AJEE परीक्षा हुई थी, उसको लेकर जो है हरिद्वार पुलिस की ओर से जो है SIT जांच के बाद यहाँ पर जो है हुआ मुकदमा दर्ज। तो बड़ा खुलासा SIT की तरफ बताया गया, गड़बड़ी करने वालों को यहाँ पर जो है कतई बख्शा नहीं जाएगा। CM ने यहाँ पर आदेश जारी करे हैं और जल्द ही यहाँ पर देश का सबसे कड़ा जो है नकल विरोधी कानून लाया जाएगा। साधना पुष्कर धामी ने यहाँ पर इसके निर्देश पर SIT हरिद्वार की जो है जाँच के उपरांत जो है आज थाना जो कनखल यहाँ पर जो है AJEE भर्ती में जो है प्रश्न पत्र लीक के प्रकरण में जो है 9 लोगों पर जो है यहाँ पर नामजद लोगों पर धारा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 420, 409, 4 और यहाँ पर 120B IPC और 4/3/4 सार्वजनिक यहाँ परीक्षा अधिनियम और 7/8 यहाँ पर जो भ्रष्टाचार अधिनियम, इसको लेकर यहाँ पर देख सकते हैं मुकदमा दर्ज कर। तो 9 लोगों के खिलाफ जो यहाँ पर मुकदमा दर्ज हो चुका है JEE और AJEE भर्ती को लेकर। इस पर पहले से भी सवाल उठे थे, लेकिन यहाँ पर CM के बाद यहाँ पर आदेश करने के बाद अब इन भर्तियों पर जो यहाँ पर 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है और जल्द ही आप जो है इन पर जो है अब ये गिरफ्तार में आ जाएंगे और यहाँ पर 9 लोग अब गिरफ्तार हो जाएंगे। 9 लोगों का जो यहाँ पर इनके इन पर धाराएं जो है लग चुकी हैं और इस पर जो यहाँ पर इसको लेकर केस दर्ज करा दिया गया हरिद्वार में। और अब यहाँ पर जो 9 लोग हैं इन भर्ती में पकड़े जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले भी इन पर सवाल उठाए गए थे और अब इन पर कार्रवाई कर दी जाएगी, जो कि आप लोग देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज।